आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ परवल की बहुत ही टेस्टी रेसिपी। इसे हम परवल चिली कहेंगे। बिल्कुल जैसे पनीर चिली बनते हैं और चिकन चिली बनते हैं, बिल्कुल उस तरीके का ये टेस्ट है और बिल्कुल टेस्टी लगते हैं। तो आइए बनाते हैं इस रेसिपी को। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्राची, आप देख रहे हैं प्राचीज कुकिंग। तो आइए बनाते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर लूँगी 250 ग्राम, ये परवल है, इसे मैंने बीच में से काट लिया है इस तरीके से। और इसे हमें बड़ा बड़ा ही रखना है इस तरीके से, आप देख सकते हैं। इसे मैं एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। उसमें मैं डाल दूँगी थोड़ी सी हल्दी, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। इसे हमें अच्छी तरीके से मिलाना है। और यहाँ पर मैं डाल दूँगी 1/2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और हमें इसे अच्छी तरीके से मैरिनेट करना है इस तरीके से, आप देख सकते हैं। इससे क्या होता है, और ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाती है। तो अभी हम उसी बाउल में डाल देंगे 1/2 कप कॉर्नफ्लावर और ये है 1/4 कप बेसन। तो 1/2 कप कॉर्नफ्लावर में हम डालेंगे 1/4 कप बेसन। उसमें भी हम डाल देंगे 1/2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और यहाँ पर मैं चुटकी भर हल्दी डाल दूँगी और यहाँ पर मैं डाल दूँगी स्वाद अनुसार नमक और थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के हम इसको बैटर बना लेंगे। और यहाँ पर मैं डाल दूँगी 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर। तो सारी चीज़ों को हमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मिलाना है और इसका हमें एक स्मूथ बैटर बनाना है। और इसे हमें थोड़ा सा गाढ़ा ही रखना है ताकि अच्छे तरीके से ये परवल में चिपक जाए, यानी कि कोट हो जाए। तो हम इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूंगी और इसका हमें इस तरीके से स्मूथ बैटर बना लेंगे। आप देख सकते हैं बिल्कुल स्मूथ बना है। तो चलिए अभी हम गैस के ऊपर एक पैन रख लेंगे, उसमें हम थोड़ा तेल डाल देंगे फ्राई के लिए और तेल को सुपर गर्म करना है हमें। अभी हम जो मैरिनेट किए थे परवल को, उसको हम बैटर में इस तरीके से डाल देंगे, जैसे पकोड़े बनाते हैं उस तरीके से ही हमें बनाना है। अच्छी तरीके से कट कर ले इस तरीके से, आप देख सकते हैं बिल्कुल कॉट आना चाहिए। और यहाँ पर हम थोड़ा सा तेल को भी चेक कर लेते हैं, ये देख सकते हैं बिल्कुल सुपर गर्म है। और अभी हम इसको डाल देंगे तेल में। गैस का फ्लेम आप यहाँ पर हाई कर दीजिएगा और इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। तो चलिए पकाते हैं। आपकी कढ़ाई में जितना जगह हो उतनी ही आप परवल यहाँ पर डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर शायद 7 से 10 डाल दी हूँ और इसे हम पलट लेंगे और गोल्डन ब्राउन होने तक इसे हम पकाएंगे। और ये बिल्कुल क्रिस्पी बन जाता है, देख सकते हैं आप इसका कलर भी कितना प्यारा आया है। ये बिल्कुल पनीर चिली जैसा या फिर चिकन चिली जैसा ही लगेगी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको भी अच्छी लगेगी। तो इसे अभी हम ट्रांसफ़र कर लेंगे और दूसरा बैच को डाल देंगे। ये बिल्कुल झटपट बन जाती है, अगर आप ज़्यादा लोगों के लिए बना रहे हैं तो ज़्यादा भी बना सकते हैं। तो ये रही हमारी दूसरी बैच बिल्कुल रेडी। तो अभी हम इसका सॉस बना लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर कढ़ाई में 3 चम्मच ऑयल डाल दूँगी और उसमें हम डाल देंगे 2 से 3 मीडियम साइज कटी हुई गाजर। इस तरीके का आप काट लें इस, या फिर आप और कोई भी शेप में काट सकते हैं या फिर जुलियंस भी काट सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर डाल दूँगी प्याज, इसको मैंने क्यूब साइज में काट लिए थे। और प्याज का क्वांटिटी यहाँ पर 2 मीडियम साइज। और यहाँ पर मैं लूँगी कैप्सिकम, कैप्सिकम यहाँ पर 1 मीडियम साइज का लूँगी। और दोनों चीज़ तीनों चीज़ों को अच्छी तरीके से हम मिला लेंगे और इसे थोड़ा सा नरम कर लेंगे, सॉफ्ट कर लेंगे। और यहाँ पर मैं डाल दूँगी स्वाद अनुसार नमक और थोड़ी सी हल्दी। हल्दी आप ध्यान दे के लीजिएगा क्योंकि हम पहले से ही डाले थे। और अच्छी तरीके से यहाँ पर मिला लेंगे और इसे हम थोड़ा ढक लेंगे ताकि ये अच्छी तरीके से थोड़ी सी नरम हो जाए, पर ज़्यादा भी पकाना नहीं है हमें, कुछ ही मिनटों तक हमें यहाँ पर पकाना है। तो देख सकते हैं बिल्कुल पक चुकी है, इसका कच्चापन भी है, थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो गई है, आप देख सकते हैं। इसी स्टेज तक हमें इसे पकाना है। अभी हम सॉसेज डाल देते हैं। तो मैं यहाँ पर लूँगी 1 बड़ा चम्मच सोया सॉस, 1 बड़ा चम्मच रेड चिली सॉस और आप चाहे तो टमाटर केचप भी डाल सकते हैं। और हम यहाँ पर लेंगे 1 बड़ा चम्मच चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस है ये।
और हाफ टी स्पून विनेगर ताकि थोड़ा सा खट्टे फ्लेवर आए। अच्छी तरीके से हम सॉसेस को मिला लेंगे और गैस का फ्लेम आप यहाँ पर लो कर दीजिएगा। तो अभी हम यहाँ पर एक घोल बना देते हैं। सबसे पहले 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर लेंगे, उसमें हम थोड़ी सी पानी डालकर इसका एक बैटर बना लेंगे और इसे हम सॉसेस में डाल देंगे। ये देख सकते हैं इसे डालने से बहुत ही थिक बन जाती है, आप इसे ज़रूर डालें। अभी हम इसको चला लेंगे और ये कुछ ही मिनट में बिल्कुल थिक बन जाएगी, आप देख सकते हैं। और थोड़ी सी कलर के लिए हम यहाँ पर डाल देंगे रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून। आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं या फिर आप हरी मिर्च को काट कर भी डाल सकते हैं। देख सकते हैं सॉस कितना गाढ़ा हो गई है। और इसी स्टेज पर हमें परवल को डाल देना है, आप देख सकते हैं बिल्कुल क्रिस्पी बना है। इसे आप रोटी के साथ या फिर चावल के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही सही लगते हैं। और सॉसेस में अच्छे तरीके से हम परवल को कट कर लेंगे। और यहाँ पर आप गैस का फ्लेम लो कर दीजिएगा वरना सॉसेस ज़्यादा थिक बन जाएगी। ये देख सकते हैं बिल्कुल टेस्टी, मैं क्लोजअप में दिखा देती हूँ, बहुत ही टेस्टी लगते हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको भी बहुत ही पसंद आएगा। तो इसे अभी हम ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसके ऊपर से हम डाल देंगे धनिया के पत्ते। धनिया के पत्ते तो हर चीज़ में डाला जाती है, तो ये ले धनिया के पत्ते अभी हम इसको डाल देंगे और इसे भी मिला लेंगे। इसे क्या होता है फ्रेश फ्लेवर आती है और बहुत ही टेस्टी बन जाती है ये। तो अभी हम इसको सर्विंग कर लेते हैं। तो एक प्लेट में हम इसे निकाल लेंगे और बिल्कुल टेस्टी गर्मा गर्म हमारा परवल चिल्ली बिल्कुल तैयार। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कैसी लग रही है रेसिपी। और मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, सामने जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे प्रेस कर लें ताकि मैं लेटेस्ट अपडेट और सबसे पहले पा सके। मैं मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें।